हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा गूगल पे में आप अकाउंट कैसे बनाएंगे। दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा गूगल पे का लोगो थोड़ा चेंज हो गया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये गूगल पे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको ये गूगल पे की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे तो आपको 21 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा अपनी फर्स्ट पेमेंट पे। जैसे ही आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल पे की लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्ले स्टोर का ये पेज खुल जाएगा, जहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आप गूगल पे को ओपन कर लीजिए। उससे पहले दोस्तों, आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप गूगल पे अकाउंट बनाना चाहते हैं। एक बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, मतलब आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। दोस्तों, मैं अपना एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो मेरे बैंक अकाउंट में भी रजिस्टर्ड है। तो फटाफट से नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी डालनी है। अगर आपके फ़ोन में कहीं जीमेल आईडी है तो आप एरो के निशान पर क्लिक करके अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा और आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद दोस्तों, आपका फ़ोन ओटीपी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मेरा ओटीपी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया और वेरीफाई हो गया मेरा नंबर। वेरीफाई नंबर होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर कहा जाएगा आप स्क्रीन लॉक यूज़ करना चाहते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जब आप ऐप ओपन करें, या क्रिएट अ गूगल पिन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप क्रिएट अ गूगल पिन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि इससे आपकी सिक्योरिटी गूगल पे की बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो क्रिएट अ गूगल पिन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पिन बनानी है, तो दोस्तों कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी पिन बना ली है। इसके बाद दोस्तों ओके कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, आप इसे पढ़ के यस टर्न ऑन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही आपका ये हो जाता है, तो उसके बाद आपका गूगल पे में अकाउंट बन गया है। लेकिन दोस्तों अभी इसमें हमें अकाउंट ऐड करना है, जो कि मेन चीज़ है गूगल पे की। तो अकाउंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना होगा, ऐड अकाउंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। वैसे मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, जो भी आप तरीका पसंद करें वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर नीचे लिखा है व्यू अकाउंट बैलेंस। इससे पहले मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ऊपर भी अकाउंट ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है। तो आपको देखना है ऐड अकाउंट का ऑप्शन कहाँ लिखा है, आपको ध्यान से देखना है। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल आसान तरीका भी बताऊंगा आपको। ऐड अकाउंट का ऑप्शन दोस्तों ये दिखाई दे गया है, ऐड अकाउंट। आप यहाँ पर क्लिक करके भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, अगर आपके में ये ऐड अकाउंट का ऑप्शन ऊपर नहीं आ रहा है तो आप नीचे व्यू अकाउंट बैलेंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे बैंकों के नाम आ जाएंगे। आपका जिस भी अकाउंट, जिस भी बैंक में अकाउंट है वो बैंक आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देता तो आप यहाँ पर लिख के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना बैंक लिख देता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया है तीसरे नंबर पर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपसे परमिशन मांगे गूगल पे, आप उसे अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पे सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ऐप मानी जाती है। आपको इसमें देखना है आपका जो ये फ़ोन नंबर है कौन सी सिम में है, सिम वन में है, सिम टू में है। तो दोस्तों जैसे कि मेरा ये फ़ोन नंबर सिम टू में है, तो मैं सिम टू पर क्लिक कर दूंगा। आप भी ये देखना होगा कि आपका ये नंबर किस सिम में है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों SMS की परमिशन मांगेगा, इसको भी अलाउ कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी सारी डिटेल बैंक अकाउंट की फैचिंग होगी, आपका ये फ़ोन नंबर है या नहीं, ये आपका अकाउंट है या नहीं। दोस्तों इसमें, इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, तो आपको यहाँ पर बने रहना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह इंटरफेस आने के बाद आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। साथ ही दोस्तों अब आपको UPI पिन बनानी है। UPI पिन बनाने के लिए दोस्तों आपको स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने डेबिट कार्ड ले लेना है, और डेबिट कार्ड के लास्ट की 6 डिजिट आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट होती है वो डालनी है, पहले मंथ और फिर ईयर। दोस्तों ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको ये बटन है एरो का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्रिएट अ पिन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको क्रिएट अ पिन पर क्लिक कर देना है।
थोड़ी प्रोसेस होएगी। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यूपीआई आईडी बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, जैसे कि दोस्तों आप साइड में देख पा रहे हैं। इस तरह की 6 डिजिट की यूपीआई आईडी आप क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों ये बैंक के अकॉर्डिंग होती है, किसी बैंक में 4 डिजिट की भी यूपीआई आईडी होती है और किसी में 6 डिजिट की। तो आप अपने हिसाब से अपनी यूपीआई आईडी बना लीजिए और उसके बाद इस ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी करना है, कोई रिचार्ज करना है, कोई भी पेमेंट करनी है, उसको आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप बड़े आसानी के साथ कोई भी मोबाइल रिचार्ज करना है तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बिल पेमेंट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करके आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको मनी ट्रांसफ़र करनी है, जैसे कि आपको किसी बैंक में पैसे भेजने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों फ़ोन नंबर के थ्रू, मतलब आपके पास कोई गूगल पे अकाउंट है उस पर पैसे भेजने हैं तो फ़ोन नंबर के थ्रू बड़े आसानी से भेज सकते हैं। आप यूपीआई आईडी और सेल्फ ट्रांसफ़र के थ्रू भी बहुत सही पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं इसके रिलेटिव भी एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब या सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।